डॉक्टर पाठक आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। आपने कहा कि अमित शाह ने तो बीएसपी और एक समाजवादी पार्टी के लोगों का सहारा भी लेने की कोशिश किया, क्या ये एक हताशा का संकेत है कि बीजेपी इस समय बिल्कुल निराश और हताश है एमपी में एज कम्पेयर टू कांग्रेस? देखिए, पहले दिन से अगर आप चले क्रोनोलॉजी समझे अमित शाह के शब्दों में, उनका बहुत प्रिय शब्द है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी शुरू दिन से हताशा के दौर से गुजर रही है। जैसे अपने ही 4 बार के मुख्यमंत्री का नाम न लेना, उसकी योजनाओं का उल्लेख न करना, प्रधानमंत्री भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे, 10 लाख लोगों को लाने का दावा किया गया था, यद्यपि आए तो 1.5 लाख लोग ही थे, उसमें प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया। उसके बाद 7 सांसद जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 1 राष्ट्रीय महासचिव, इनको विधायक का चुनाव लड़ने उतार दिया, इससे उनकी हताशा तो समझ में आ रही है। दरअसल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी किसी मास्टर स्ट्रोक की तलाश में, और वो उन्हें मिल नहीं पा रहा। आपने शुरू में हिंदुत्व की बात कही, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कही, वो भी मध्य प्रदेश में चल नहीं पा रहा बीजेपी का। बार बार सनातन की बात करते हैं, शिवराज, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा या वीडी शर्मा, जनता कान ही नहीं धर रही है उन बातों पर। आप विश्वास कीजिए इसकी जी, आपने कहा कि जनता सॉफ्ट हिंदुत्व पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अगर जनता बीजेपी के हिंदुत्व पर ध्यान नहीं दे रही है तो क्या जनता कांग्रेस के हिंदुत्व पर ध्यान दे रही है? गदा बाबा उस पर भी बिल्कुल उस पर भी नहीं दे नहीं नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल आपके प्रश्न का विस्तार से उत्तर दूंगा। जनता इस बार अपनी जिंदगी के सवालों पर बात कर रही है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि कमलनाथ ने सबसे बड़ा हनुमान जी का की प्रतिमा बनाई है छिंदवाड़ा में, उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि बाबा लोग कमलनाथ, बाबाओं को कमलनाथ भी बुला रहे हैं और बीजेपी तो हमेशा से बुलाती रही है, शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, बड़ी बड़ी भगवत कथाएं ये लोग करते रहे हैं, अब भी होती रही हैं। इंदौर में प्रत्याशी हैं कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला, उन्होंने वो कोई प्रवाचक बहने उनको बुलाया था, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, जया किशोरी जी, वो रद्द करना पड़ी उनको, आचार संहिता लग चुकी थी इसलिए। दोनों तरफ से ऐसी चीजें चल रही हैं। बीजेपी की दिक्कत यह है कि यहां पर वो हिंदुत्व को लेकर या सनातन को लेकर बहुत आक्रामक नहीं हो पाती, क्योंकि सामने शिवराज सिंह के सामने कमलनाथ जैसा व्यक्ति है जिन्होंने खुद की अपनी छवि हनुमान भक्त के रूप में बना रखी है। एक बड़े तथाकथित चैनल के इंटरव्यू में दो एंकर बहनों ने कोई सवाल पूछ लिया तो शिवराज सिंह ने कह दिया वो कमलनाथ ने भराया ही नहीं हनुमान जी का मंदिर। अगले 5 मिनट में दस्तावेजी प्रमाणों के साथ साबित हो गया कि वो जो सबसे ऊंची प्रतिमा छिंदवाड़ा में बनी है वो कमलनाथ ने बनाई है, उसका टाइमलाइन पूरी आ गई, किस दिन किस तारीख को विमोचन हुआ, उसका भूमि पूजन हुआ, किस दिन उसका उद्घाटन हुआ, इत्यादि इत्यादि। तो बीजेपी अगर बहुत हमलावर होती है तो सामने कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला चेहरा आ जाता है। लेकिन मैं फिर अपने बात पर कायम हूं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त न सनातन मुद्दा है, न हिंदुत्व मुद्दा है, न बजरंग बली, न हनुमान जी। कांग्रेस भले ही रामायण 2 सीरियल के हनुमान जी विक्रम मस्ताल को उतार दे बुधनी में शिवराज के खिलाफ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उससे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा भारी आकर्षण होगा। सच बताऊं तो जिस दिन उनका नाम घोषित हुआ मैं नहीं जानता था ये कौन विक्रम मस्ताल है जो हनुमान जी बने, कौन सी रामायण है, क्योंकि हम लोग तो उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने रामानंद सागर की पहली रामायण देखी है, दारा सिंह हनुमान जी बने थे। तो ये मुद्दे नहीं है, मध्य प्रदेश में मुद्दा है भ्रष्टाचार, सत्ता के खिलाफ जो रुझान होता है जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं हम लोग, बेरोजगारी। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया था कि 15 अगस्त तक 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा, युवाओं को, वो संख्या तो बहुत पीछे रह गई, 1 लाख तो छोड़िए, 25,000 लोगों को रोजगार नहीं मिला। मैं समझता हूं व्यापम के बाद अब तक पटवारी परीक्षा में जो घोटाला हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं जब भी क्षेत्र में घूमता हूं, लोग बात ही नहीं कर रहे हैं ना हिंदुत्व की ना सनातन की, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन है। युवा लड़के लड़कियां पूछ रहे हैं हमको 20 साल में कितने लोगों को नौकरी मिली। आप सोचिए 20 साल हो गए बीजेपी की सरकार, जो बच्चा 2003 में 2004 में पैदा हुआ होगा वो आज की तारीख में 19 और 20 साल का है, वो तो शिवराज सिंह के सरकार या बीजेपी की सरकार के अलावा उसने तो कुछ देखा ही नहीं है, उसने दिग्विजय सिंह का शासन नहीं देखा। पहली बार का वोटर इस वक्त जो है तो उसके सामने तो चुनौती ये है कि इस सरकार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो अभी मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस बढ़त पर है, बीजेपी भी अच्छी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है,
तीन दिन अभी तो रहकर गए अमित शाह, और अब नरेंद्र मोदी की 15 सभाएं होने वाली है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस भी हमलावर है, 8 से 9 सभाएं राहुल गांधी की, 6 से 7 प्रियंका की, 4-5 सभाएं मल्लिकार्जुन खड़गे की होने वाली हैं। वक्त मिला तो अशोक गहलोत और भूपेश बघेल भी मध्य प्रदेश आएंगे चुनाव प्रचार करने, जिनके अपने राज्यों में चुनाव है। जी नीलू जी,